मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी में से जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा ये है कि मोहम्मद आमिर एक कंप्लीट बॉलर है, कि मोहम्मद आमिर के पास अर्ली ऑन यॉर्कर मारने का भी ऑप्शन है, मोहम्मद आमिर के पास अर्ली और अच्छी लेंथ से मारने का भी ऑप्शन है, मोहम्मद आमिर के पास बाउंसर मारने का भी ऑप्शन है, सही, मोहम्मद आमिर के पास दोनों किस्म का स्विंग है, यानी इन स्विंग आउट स्विंग दोनों है। पहले मैच के बाद जो है वो बहस होती थी, घर के बाहर बैठे हुए होते थे कुछ बड़े बूढ़े गली के कोनों पे, रोड्स पे, अब सोशल मीडिया पे बहस होती है। एक तरफ होता है मोहम्मद आमिर का फैन क्लब, एक होता है शाहीन शाह अफरीदी, तो वो कहता है वो बेस्ट हैं, वो कहते हैं वो बेस्ट हैं, दोनों बेस्ट हैं। लेकिन आप बीइंग अ प्रोफेशनल, आप भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी नज़र में जो है दोनों में से बेस्ट बॉलर कौन है? यार मैं अगर आप दोनों की बात करें तो दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। और अगर आप मुझसे ओपिनियन लें, देखिए मैं खुद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, मीडियम पेसर हूँ, और मैंने दोनों को साथ खेला भी है, मैं दोनों के साथ खेला भी हूँ, सारा कुछ है। आई थिंक दोनों का अपना अपना जो एरा है ना इस वक्त, वो बहुत एक्सेप्शनल है। यानी मोहम्मद आमिर का एरा जो उनके डेब्यू से अगर आप उठाएं 2008-09-10 से लेके इवन के 2017-18 तक भी, सही, एक तो गैप आया था वो तो चले उसको तो आप बढ़ा, लेकिन उस गैप के बाद भी जब मोहम्मद आमिर आए तो उनकी पेस 145 प्लस थी। सही। अच्छा, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी में से जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा ये है कि मोहम्मद आमिर एक कंप्लीट बॉलर है। कंप्लीट बॉलर किस सेंस में? कि मोहम्मद आमिर के पास अर्ली ऑन यॉर्कर मारने का भी ऑप्शन है, मोहम्मद आमिर के पास अर्ली और अच्छी लेंथ से मारने का भी ऑप्शन है, मोहम्मद आमिर के पास बाउंसर मारने का भी ऑप्शन है, सही, मोहम्मद आमिर के पास दोनों किस्म का स्विंग है, यानी इन स्विंग आउट स्विंग दोनों है। और फिर मोहम्मद आमिर को आप मिडिल ओवर्स में भी ले आए, मोहम्मद आमिर को आप डेप्थ ओवर्स में भी ले आए, तो वो कंप्लीट बॉलर है। एग्जैक्टली। शाहीन शाह अफरीदी मेरी नज़र में नए बॉल से और पुराने बॉल से दोनों से बहुत अच्छा है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी सबसे बड़ी वेपन है वो है अर्ली ऑन नए बॉल से यॉर्कर मारना। सही। आज सक्सेस मिल रही है, कल सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब डेटा एनालिस्ट इतना, आपका तो इतना डेटा एनालिस्ट हो गया कि कहीं ना कहीं बैट्समैन जो है वर्किंग करके आते हैं बॉलर्स के ऊपर, तो जब आप वर्किंग कर लोगे ना किसी भी प्लेयर पर, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है अपोनेंट से एज ए बॉलर। तो जब आपकी वो चीज पकड़ में आएगी तो फिर आपको अपनी चीजों पे, दूसरी चीजों पे काम करना पड़ेगा। सही। शाहीन शाह की थोड़ी सी बैड लगी हुई कि वो अर्ली स्टेज में आके जो इंजर्ड हो गए, जो उनको नी का प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से उनकी पेस नीचे आ गई, वरना शाहीन शाह अफरीदी उस वक्त 146-145 पे कंसिस्टेंटली नए बॉल के साथ शार्प इन स्विंग करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत इफेक्टिव है। सही। तो मोहम्मद आमिर का जो एरा है, मोहम्मद आमिर की 150 प्लस पेस थी और उस पे उनका इन स्विंग आउट स्विंग सीम पोजीशन यॉर्कर हर तरह का बॉल वो कर लिया करते थे, वेरिएशन कर लिया करते थे, और वो तीनों फॉर्मेट में बड़ा सक्सेसफुल रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप मुझसे बात करें कंप्लीट फास्ट बॉलर की, तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है दुनिया की अपनी राय हो, हर कोई की अपना फेवरेट प्लेयर होता है, मैं यहाँ फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल। हाँ, तो मेरा ये है कि मोहम्मद आमिर को मैं कंप्लीट बॉलर करार देता हूँ अगर आप कंपेरिजन करें। और अगर आप अभी न्यू एरा में देखें, तो न्यू एरा में जो इस वक्त सबसे मुझे बेहतर बॉलर लगता है पाकिस्तान टीम का, नो डाउट सब कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नो डाउट तीनों बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे बॉलर, लेकिन नसीम शाह एक कंप्लीट फास्ट बॉलर है। रीजन के नसीम शाह ने बहुत जल्दी असेस कर लिया है कि इस फॉर्मेट के अंदर इंटरनेशनल लेवल में, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो, किस तरह बॉलिंग होती है। सही। क्योंकि वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में आके जो पहले हसन अली का काम था या और दूसरे बॉलर का काम था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नसीम शाह के अंदर है, हारिस रऊफ के अंदर है। तो आई थिंक हमारे जो मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि इन फास्ट बॉलर्स की अच्छे से टेक केयर करें, इनको वर्कलोड मैनेज करें इनका, क्योंकि देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि हीरे आपको मिलते हैं और हीरो को संभाल के रखना ये उन लोगों का काम होता है जो चीज़ों को रन कर रहे होते हैं। अब ऐसा ना हो कि ये हीरे आपको मिले और हीरा आप कहीं फेंक दो और वो फिर ज़ाया हो जाए, ऐसा बहुत हुआ है हमारी हिस्ट्री में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास बॉलिंग की लॉट काफ़ी अच्छी है, जिसमें अगर आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहनवाज धानी, वसीम जूनियर और हसनैन, ये सारे वो बॉलर हैं जो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। तो अगर आप इनको कैटेगरी बना के अलग अलग फॉर्मेट पे डिवाइड कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत आगे फ्यूचर है फास्ट बॉलिंग का। और उसके साथ साथ डोमेस्टिक में भी कुछ ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो अपकमिंग है, जिसमें मैं मोहम्मद उमर की बात करूंगा, डोमेस्टिक उनका बड़ा अच्छा गुजरा है,
मोहम्मद अली एक हैं, वो बड़े अच्छे भी टेस्ट में डेब्यू, मीर हमजा अगर आप उनको टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में डालें तो आई थिंक कि वो आपको नए बॉल से इतनी जबरदस्त बॉलिंग करके दे सकता है कि वो बेस्ट बॉलर, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बोल रहा है। तो आई थिंक कि बहुत टैलेंट है फास्ट बॉलिंग का, और अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए क्योंकि सब डिजर्व करते हैं। तो और अपॉर्चुनिटी सबको ऐसे ही मिलेगी जैसे अगर आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इवन के साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें, तो इन लोगों ने अपने हर फॉर्मेट की टीम डिफरेंट कर ली है, जिसकी वजह से वो अपने प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जेम एंडरसन, पैट कमिंस सही और मिचेल स्टार्क आज तक फॉर्मेट्स खेल रहे हैं सर। सही, तो हमें भी चाहिए कि हम इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें और पाकिस्तान टीम को अच्छे लेवल पर लेके जाएं।